पॉथोस यानी मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सा हाउस प्लांट है। अगर आप मनी प्लांट को पानी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मनी प्लांट को पानी में ग्रो करने का सही तरीके के बारे में। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मनी प्लांट का एक भी कटिंग खराब नहीं होगा और इसके साथ साथ पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका पानी का मनी प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो रहा या फिर उसका रूट्स धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसका रीज़न और सोल्यूशन के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनी प्लांट को पानी में ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम मनी प्लांट के कटिंग ले लेते हैं। कटिंग लेने के टाइम पे आपको दो बात का ध्यान रखना है। पहली बात, ब्रांच हेल्दी होना चाहिए और दूसरी बात, आप ब्रांच ज़्यादा बड़ा मत लीजिए। मैक्सिमम 25 से 30 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। ब्रांच को हम नॉट एरिया के ठीक नीचे से काटेंगे और वो भी 45 डिग्री एंगल में। इससे आपके पौधे का खराब होने का चांस कम हो जाएगा। नॉट एरिया वो होता है जहाँ पर पत्ते और रूट्स निकलते हैं, उसके ठीक नीचे हम 45 डिग्री एंगल में कट करेंगे और अपना कटिंग ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मनी प्लांट के कुछ कटिंग्स ले लिए हैं। जब भी आप मनी प्लांट को ग्रो करें तो हमेशा एक साथ 4-5 पौधे को ग्रो करें, क्योंकि एक पौधा देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। अब हम बात करते हैं पॉट की। जब भी आप पौधे को पानी में ग्रो करें तो हमेशा एक कांच का पॉट लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पौधा ठीक से ग्रो नहीं होता। इसीलिए आप एक कांच का पॉट में ही मनी प्लांट के पौधे को ग्रो कीजिए। आप कुछ इस तरीके से पौधे को आपके पॉट के साथ माप लीजिए और जो भी नॉट एरिया पॉट के अंदर चला जाएगा उसके पत्ते को आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर ये पत्ता पानी के अंदर रहेगा तो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा। इसीलिए आप वो पत्ते को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आपके पौधे के कटिंग को पानी के अंदर कुछ इस तरीके से रख दीजिए। अब अगर बात करें पानी की, तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं जिस पानी के अंदर क्लोरीन या फिर फ्लोरीन ये सब ना मिला हो। इसके अलावा सबसे अच्छा पानी होता है बारिश का पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी मनी प्लांट के कटिंग को पानी के अंदर रख दिया है। अब बहुत ही जल्दी पौधे का ग्रोथ शुरू हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं अगर पानी के अंदर मनी प्लांट का ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ है तो उसका रीज़न और सोल्यूशन के बारे में। पहला रीज़न यही है जो मेरे पौधे के साथ भी है, वो है पानी को बहुत दिनों तक चेंज ना करना। इसके लिए आप पानी को हर 3 से 4 दिन में एक बार ज़रूर चेंज कीजिए। इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह आलसी हैं और रोज़ पानी चेंज करना नहीं चाहते तो मैं आपको थोड़ी देर में एक बहुत ही अच्छा टिप देता हूँ। आप बात करते हैं दूसरा रीज़न के बारे में। मनी प्लांट को ठीक से ग्रो ना होने का दूसरा रीज़न जो है वो है सनलाइट ठीक से ना मिलना। मनी प्लांट के पौधे को ब्राइट रोशनी की ज़रूरत होता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपके पौधे को ब्राइट जगह पर रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए। इससे आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं अपने सभी पौधे को पॉट से निकाल लेता हूँ और उसके बाद पॉट को अच्छी तरीके से साफ करके नया पानी इसमें ऐड करता हूँ।
पॉट को साफ करने के लिए आप रेत का इस्तेमाल कीजिए। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से पॉट साफ हो जाएगा। रेत को आप कुछ इस तरीके से पॉट के अंदर रखिए। उसके बाद पॉट में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसके बाद पॉट को अच्छी तरीके से शेक कीजिए। इससे आपका पॉट बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप पौधे को और पौधे के रूट्स को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों तक आपने पानी नहीं बदला और रूट्स के ऊपर एल्गी लग चुका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पॉट को और पौधे को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब हम पौधे को पॉट के अंदर रख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आप आपके पौधे को एक ब्राइट जगह पर रख देंगे और इसके साथ साथ हर 3 से 4 दिन में एक बार पानी चेंज करेंगे, तो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक छोटा सा टिप की। अगर आप रोज़ रोज़ पानी को बदलना नहीं चाहते, तो आपके पौधे के पानी में 3 से 4 एनपीके के दाने दे दीजिए। इससे आपको रोज़ रोज़ पानी बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से आप हर 15 दिन में एक बार आपके पौधे का पानी को चेंज कीजिए और हर बार 3 से 4 एनपीके के दाने इसमें दे दीजिए। इससे आपको बार बार पानी बदलने का ज़रूरत नहीं होगा। पंद्रह दिन के बाद रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने पौधे में कितने सारे नए नए रूट्स आ रहे हैं और इसके साथ साथ अपने पौधे का ग्रोथ भी कितना अच्छा हो गया है। यही था आज का वीडियो। आप मनी प्लांट के पौधे को पानी में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।